सो दोस्तों, जिसके परसेंट 60 से कम है यार, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है, क्योंकि यार आपके परसेंट कम है तो आपका एडमिट कार्ड आना मुश्किल है। तो भाई अब क्या करें, अब आपके लिए क्या आगे है कि आप क्या अपॉर्चुनिटी इसमें निकाल सकते हैं। तो भाई अब इसमें आपको चुपचाप अगर आप बैठ गए तो आपका कुछ नहीं होने वाला भाई, अगर लेकिन अगर आप कुछ करोगे तब आपका कुछ होगा, क्योंकि यार भगवान भी उसी की हेल्प करते हैं जो खुद से कुछ ट्राई तो करे एटलीस्ट। तो भाई आपको क्या करना है मैं बताऊंगा, और दोस्तों आपका कम परसेंट है इसमें आपकी गलती नहीं है। माना कि 12th में ढीले पड़ जाते हैं थोड़ा कभी कभी, लेकिन यार उससे उसकी वजह से यार हमें नौकरी में तो कुछ नहीं होना चाहिए ना। नौकरी के लिए सबको बराबर चांस मिलना चाहिए, सबको इक्वल चांस तो मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों आपके कम परसेंट है तो आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ और बाकी कई एजुकेटर भी आपके साथ हैं। तो यार जो मैं बता रहा हूँ वही करना, जिसकी वजह से यार जो भी ये माझड़ा है ना आपका परसेंटेज का, वो क्लियर होगा और आपका भी एडमिट कार्ड आएगा। तो दोस्तों यार चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों को शेयर पक्का करना है वीडियो, क्योंकि यार ये हर उस बच्चे के लिए है जिसका परसेंटेज कम है। यार आखिर क्यों कम परसेंटेज की वजह से यार हमें इतना झेलना पड़ रहा है, तो यार प्लीज ये वीडियो शेयर करना उस हर नीड के लिए, ठीक है। तो दोस्तों चलो वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट करने का मतलब ये है कि मैं स्टार्ट तो कब का कर चुका हूँ, लेकिन अब बताने वाला हूँ मेन करना क्या है। तो दोस्तों आपको करना क्या, सिंपली ये करना है कि देखो आपको नेवी नेवी के वेबसाइट में जब आप जाओगे दोस्तों, तो यहाँ पे नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिखेगा। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा, उसमें थोड़ा ऊपर जाओगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में क्लिक करना है, तो कॉन्टैक्ट अस में क्लिक करना है, या फिर आप इनको मेल कर सकते हो तो मेल करो या कॉन्टैक्ट करो एज अ फोन नंबर। से कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो और भी फोन नंबर एटलीस्ट तो आ ही जाएगा, ताकि जिससे हम कॉन्टैक्ट कर सकें। तो भाई फोन नंबर आए, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका ईमेल ही आ रहा है। तो भाई आपको मेल करना है, मेल क्या करना है कि सर आपको मेल यही करना है कि आप भाई आपके परसेंटेज कम है बट आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, यही आपको मेल करना है नेवी को। तो भाई जितना बल्क में मेल जाएगा उतना ही इफेक्ट पड़ेगा, अगर एक बच्चा करेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक कि यार 1000 10000 बच्चे ना करें ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यार तुम यूनिटी बनाओ और मेल करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके मेल करो, और यार मेल करो और फिर ट्विटर जानते ही हो, ट्विटर पे यार अगर तुम हो, अगर नहीं हो तो मेल करो, अगर हो तो भाई उस पर ट्वीट करो। अब ट्वीट किस पे करोगे, बहुत सारी देखना कि एजुकेटर आपको बता रहे हैं, हैशटैग गिव अस इक्वल अपॉर्चुनिटी वगैरह वगैरह बहुत सारे चल रहे हैं। तो आपको मतलब नेवी के रिलेटेड जितने भी हैं सब पे ट्वीट कर दो एटलीस्ट। मैं नहीं कहूँगा कि इस एजुकेटर को फॉलो करो, इसी को ट्वीट कर दो, जितने भी आपको दिखे ना नेवी के रिगार्डिंग, नेवी की इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो भाई सब पे ट्वीट करो। मैं एडिशनल किसी को नहीं बोलूंगा, किसी को नहीं डायरेक्टली बोलूंगा, लेकिन सब पे मैं कहता हूँ सब पे ट्वीट करो यार, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए, मेन है आपकी अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों सबको मेल करो। बाकी यार मैं भी इतनी अच्छी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तो यार ये वीडियो को शेयर पक्का करना, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भाई यार बिल्कुल यार हल्ला बोलना ही पड़ेगा तुम्हें, हल्ला नहीं बोलोगे तो दोस्तों कुछ नहीं होने वाला, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, हल्ला बोलो नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम्हारा ये आखिरी मौका है, क्योंकि जब तक यार तुम्हें जब तक देखो फॉर्म जब तक भरे जा रहे हैं ना तब तक तुम्हारे पास चांस है। एक बार फॉर्म भरना जब बंद हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब फॉर्म ही फिल नहीं हो पाएगा, जब फॉर्म भरना ही बंद हो जाएगा तो क्या कर लोगे, फॉर्म कैसे भरोगे। तो भाई जब तक ये फॉर्म भरने का प्रोसेस चल रहा है तब तक ही तुम कुछ ना कुछ करो, ताकि जो मैंने बताया वही फॉलो करो, ताकि यार तुम्हें चांस मिल जाए। यार सब लोग चाहते हैं कि सबको चांस मिले, यार हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हम एग्जाम में जब बैठेंगे तो हम कितना परसेंटेज लाएंगे, वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, लेकिन यार सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए ना। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए लड़ो, मैं कहता हूँ लड़ो यार, हल्ला बोलो, लड़ोगे नहीं तो दोस्तों कुछ नहीं होने वाला आजकल की दुनिया में। दोस्तों लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, मैं भी बोल रहा हूँ यार, हक के लिए लड़ो, बिल्कुल लड़ो। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो पक्का शेयर करना, लाइक करना मत करना आई डोंट नो, बट शेयर पक्का करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई भी आगे फर्दर अपडेट होगा तो मैं अपडेट आपको दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।